प्रोटीन सलाद बनाने के लिए एक पैन में गर्म करेंगे पानी, और उसमें हम ये पनीर को डालेंगे ताकि पनीर थोड़ा सा नरम पड़ जाए। पनीर अगर आप सीधे फ्रिज से निकाल कर सलाद बनाओगे तो वो थोड़ा कड़क बनेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी में डाल दे रही हूँ, और बाद में इसको एक स्ट्रेनर से छान लेंगे। बस थोड़ा सा पानी में डालना है इसको, हल्का सा गर्म हो जाएगा। और ये पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम बेल पेपर डाल देते हैं, रेड और येलो, थोड़ा सा नरम पड़ जाए ये भी। इसलिए पानी गर्म हो गया है, अब हम इसको गैस को बंद कर लेंगे और इसको छान लेंगे। देखिए पानी एकदम गर्म हो गया है, अब गैस बंद करके इसको गर्म पानी से निकाल लेते हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, बाउल में हम डालेंगे स्प्राउटेड चना मूंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में चना मूंग को स्प्राउट करना बताया है। एक कटोरा स्प्राउटेड चना मूंग डालेंगे। ये प्रोटीन सलाद है, इसको आप अगर डिनर में खाते हो तो कोई कार्ब्स नहीं खाओगे, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। स्प्राउटेड के साथ हम इसमें डालेंगे खीरा कटा हुआ, एक छोटा प्याज कटा हुआ। स्प्राउटेड इस सलाद को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही खा सकते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो एक टाइम एक मील में आप ये खाइए, इससे शरीर को पोषण तत्व वो भी मिलेगा और आप कुछ अलग कार्ब्स नहीं खाओगे। एक छोटा कटोरा गाजर, एक छोटा कटोरा टमाटर, हम इसमें डालेंगे। टेस्ट बढ़ाने के लिए, थोड़ा चटपटा और तीखा बनाने के लिए भी कटा हुआ हरी मिर्च। अब ये प्रोटीन और अब ये पनीर और बेल पेपर भी मिला देंगे इसमें। ये बहुत ही सलाद बहुत पौष्टिक है और इसमें बहुत अच्छा भी लगता है ये खाना। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरा बॉइल्ड कॉर्न। इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। और ये रोस्टेड पीनट जो मैंने घर में ही रोस्ट किया है। ये सभी चीज़ बहुत ही पौष्टिक है और आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा और न्यूट्रिशियस है ये सलाद। और अंत में हम इसमें मिलाएंगे दो बड़ा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए ताकि इसका कुछ खट्टा और चटपटा टेस्ट हो सके। बहुत अच्छा। आप सर्व करने से पहले आप एक बार ज़रूर से देख लें कि इसका इसमें नमक सही है या नहीं, क्योंकि अगर नमक कम हो जाएगा तो फिर वो उतना मज़ेदार नहीं लगेगा। अंत में इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च डाल देंगे ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आए। सर्व करने के लिए रेडी है। अब एक सर्विंग बॉल लेते हैं
और इसमें इसको सर्व करते हैं। इस तरह का एक सर्विंग बॉल लेते हैं और इसमें अपना ये बहुत ही पौष्टिक सलाद परोसते हैं। आप भी इसे ज़रूर से बनाएं। इसको खाने से आप देखेंगे कि अगर आप एक समय के खाने में अगर कार्ब्स को हटा सकें तो आपका वेट रिड्यूस बहुत अच्छे से होगा। ये रेडी हो गया परोसने के लिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा रोस्टेड पीनट। बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर डालिए। इसको आप ज़रूर से बनाइए और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये पौष्टिक सलाद कैसा लगा। आज के भागम भाग वाली ज़िंदगी में इस तरह का खाना खाने से आप हेल्दी रहेंगे और बच्चों को भी ये खाना ज़रूर से खिलाना चाहिए ताकि कुछ तो अच्छा पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा उनके पेट में जाए। तो आप इसे बनाएं, इसको कुछ और नया चटपटा लुक भी आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा चाट मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर से बनाएं और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।